तो सारे भाई हाथ जोड़कर खड़े थे, ये दो स्पीकर बजवा दो भाई, यही बजा लेंगे। आज की स्थिति बता दो आप क्या होगी, दो ही मुझे एक झारखंड का वीडियो आना, हम सबकी थोक पीट के चला गया, वो क्यों चला गया? खाते हैं और ये खाते हैं दवाइयों की दुकान गिरते हुए, प्रशासन देख रहा है इस चीज को, प्रशासन देख रहा है इस चीज को, दवाइयों की दुकान। भाजपा टीम की ओर से, भाजपा टीम की ओर से जो सीनियर एक बार जोरदार तालियां देना भैया के लिए, तालियां इधर से उधर बोलना, आपको संबोधन करना, अरे एक चीज और हाथ जोड़ने के लिए हैं, जो भी मेरे भाई किसी बात में बोले संबोधन करें, कोई बात बोले तो उनकी ताली जरूर बजाना, अच्छी बात लगे तो बागपत से हमारे दो भाई, भाई चीफू और भाई मोहित विकास जी। सभी भाइयों को नमस्कार, भाइयों में ही करते जो बोल रहा है, भाई बोल रहा मेरा बोल नहीं जाता देखो भाई, मैं समझता से योग करूं और बढ़िया पर चर्चा करूं, मेरे का इतना आया और इसका भाव देखो नहीं आता भाई, भाई पहले बोले जाता क्या बागपत से बुलाने का एक योगी था जी कि जो बागपत की बोली है ना जाटों की लटमार बोली है पूरी उखाड़ के फेंक दे, तो थोड़ा सा हंसी भी आ रहा है, तो मेरा भाई सभी भाइयों को बागपत की ओर से यहाँ के पधारने पर सबसे पहले तो नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कि आप सभी भाई डीजे की समस्या को लेकर इकट्ठे हुए हैं, और जो हमारा भाई यहाँ स्टार्टिंग की थी जिस भाई ने जोगिंदर मलिक, उस भाई की मेहनत है बहुत ज़्यादा, वो भी रास्ते में है आने वाले हैं। रही बात भाई बड़ोदवाड़ों की बागपत वालों की, तो जो भी निर्णय होगा हमने पहले भी कई बार बोल चुके, जो भी आज फैसला होगा उस पर सबसे पहले बागपत बड़ोदवाड़े अमल करेंगे और बहुत सच्ची और निष्पक्ष तरीके से उसे लागू करेंगे, और ये हम विश्वास दिलाकर जाए जाएं, और हमारे बड़ोद से जो चीकू भाई हैं, हमारे ये अध्यक्ष हैं, बोल नहीं सकते थोड़ा मदद पूरे डीजे वालों को करते हैं भाई, आपको अगर कभी मेरे कभी मदद की जरूरत पड़े तो चीकू भाई ऐसी हस्ती हैं जो सबके लिए खड़े होते हैं। भाइयों समस्या तो बहुत गंभीर है क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है और जब लिमिट क्रॉस हो जाता है उसे रोक देना चाहिए। सभी भाइयों ने डीजे की शुरुआत करी, एक लिमिट जो थी वो क्रॉस कर दी बहुत ज्यादा, ना तो 10 बेस का पता, ना 20 का, ना 30 का, ना 40 का। आप एक बार बताओ आप अपने घर में क्या 40 बेस खड़ी करके टेस्टिंग कर लोगे? आपके बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी? आप टेस्टिंग कर सको उस डीजे की जो आप पब्लिक में बजाते हो, मार्केट में बजाते हो, उस डीजे की टेस्टिंग आप अपने घर में खड़ा करके कर सकोगे? एक बार तो परेशानी तो है ना, ये तो सच्चाई है कि 40 बेस से 20 बेस से पब्लिक को परेशानी है। जो पार्टी हमें बुक कर दी और हमें पूरा आनंद आ रहा क्योंकि हम वो पार्टी ने हमें बुक कर रखे और हम मजा ले रहे हम डीजे वाले, लेकिन जो इंटरेस्टेड नहीं है वो भाई बहुत परेशान है, जो बीमार है हॉस्पिटल में देखे जा रहे, अगर हॉस्पिटल रस्ते में है तो हम ध्यान नहीं दे रहे उस चीज का भी, कोई हाथ का बीमार है, और ऐसा नहीं है कि शिकायत नहीं है, बहुत ज्यादा शिकायत है। मेरा ऑफिस मार्केट में है, अभी गणेश विसर्जन में 10 शिकायत मेरे पास आई और मेरे से ये कह रहा तो अमर भाई अगर ये ऐसे चलता रहा देखो पूरा मत मानियो हम आपकी शिकायत करेंगे, हर के साथ ऐसे नहीं। तो भाई एक लिमिट क्रॉस कर दी, तो सभी भाई से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, जो जो युद्ध का क्षेत्र बना दिया ना हमने डीजे को, कंपटीशन 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 बड़ा कोई नहीं, आज लो भैया हो तो बता दो आप, बहुत बढ़िया।
तो भाई अगर हम लिमिट करेंगे उसमें हमारा फायदा है, 2 रुपए घर आने शुरू हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हर भाई ने कोई एक दो होगा जिसने शौक में डीजे बना दिया हो। शौक में नहीं बना रखे भाई, बिजनेस के लिए बना रखा। ये तो बात कह रहे आदमी, चलो ठीक है शौक में बना दिया। अगर उसने शौक में बना रखा हो भाई फिर मैं क्यों नहीं बजाता? अगर उसका ये शौक ही है खाली बिजनेस ही है तो एक भाई ऐसा बता दो पार्टी के लिए तो छोड़ो, आप किसी धार्मिक प्रोग्राम में बजा के दिखाओ फ्री में, बताओ बजा कोई भाई। अगर आपका शौक है तो उसे फ्री में बजाओ ना, फिर शौक है तो पैसे क्यों ले रहे भाई? अगर पैसे ले रहे तो बिजनेस है भाई। कोई एक भाई बता दो भाई उसने शौक में बना रखा, कह दो सब जो जो उसमें ऐसी ऐसी वीडियो आ रही भाई जो डीजे हो रहे आपस में पिछाड़ी बना के डीजे नुकसान हो रहा, टक्कर मार रहे एक दूसरे में, क्या फायदा भाई उसका? क्योंकि हम इतने जोश में आ जा हमें यही भी पता रहता उस टाइम 10 स्पीकर फूको 40 फूको बोला अड़ा दे भाई, क्या फायदा हो रहा है उस चीज का? पीछे जब डीजे बैन हुए सभी भाई को पता, सबने केस भी लड़ा, हाई सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया तो सारे भाई हाथ जोड़कर खड़े थे, ये 2 स्पीकर बजवा दो भाई यही बजा लेंगे। आज की स्थिति बता दो आप क्या होगी, 2 ही बजे क्या बताओ भाई? कितने भाई हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं भाई डीजे छोटे होने चाहे लिमिट होनी चाहे? सारे नहीं है इसका मतलब, कुछ भाई हैं ऐसे, चलो सारे हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि आज सब भाई जो यहाँ इकट्ठे हुए उन्हें देख के बहुत खुशी हो रही है कि सच में सभी मान रहे कि बिजनेस है, और बिजनेस है तो भाई इसकी लिमिट बना लो। सभी साथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मैं अपनी बातों को ऐसे विराम दूंगा क्योंकि ज्यादा समय लेना चाहूँ और भाई बोलने वाले हैं। तो भाई आज इतने एक बार और मैं आप सबको विश्वास दिलाकर जा रहा हूँ, बागपत बड़ोद में जो भी नियम आज यहाँ पे लागू होगा सबसे पहले लागू करेंगे। और भाई रही बात, कोई एक जिला अगर ये कहे भाई हम नहीं चलाना इस नियम को, तो भाई जब 10 आदमी एक जगह खड़े हो जाए ना किसी एक कीमत नहीं है कि इस रूल को तोड़ दे। छतरियों की धरती है मेरठ, बाबा सामल की धरती है बागपत। बाबा सामल वो है जो अंग्रेजों की पूरी सेना के सामने अकेले खड़े हो गए थे, एक फुट करो से निकल दिया था। तो भाई अगर सारे भाई मिलकर जाना तो एक डीजे वाला नियम नहीं तोड़ सकता, तोड़ देगा आपसे सबसे ऊपर हो जाएगा कोई एक भाई। अगर सारे भाई इकट्ठा होकर गए तो भाई साहब कोलम उतार लेंगे, एक भी अगर स्पीकर फालतू में जाकर दिखा देना बता दें। और अगर ये बिजनेस आपको लंबा चलाना है तो भाई लिमिट तो करनी पड़ेगी, अति तो हर चीज की बुरी हो और अति हम कर चुके, इस बात को तो मान लो कि हम अति कर चुके। और झगड़े भी हम पार्टी झगड़ा नहीं करा रही, झूठ है बिल्कुल, झगड़ा हम करा रहे भाई खुद। पार्टी नहीं कहती कि माइक लेके डीजे वाले को भाई तू गलत बोल, क्यों बोल रहे भाई गलत, किस वजह से बोल रहे? बटा होने के लिए, अब बटे फिर नहीं हुए भाई। दो भाई लड़े आपस में कि बटा होने के लिए मैं नुकसान भी करूंगा गलत भी बोल दूंगा, एक डीजे तो जीतेगा उसमें, एक भाई ने नुकसान भी कर दिया बटा फिर भी नहीं हुआ, तो फायदा क्या है भाई? तो भाई सभी भाइयों से जोड़ कर रिक्वेस्ट है एक लिमिट कर लो, और जो यहाँ से इस मंच से आज फाइनल होकर जा उसमें पूरी तरह से पूरे सच्चे मन से सारे भाई मिल गए उसमें अमल करो। जय हिंद जय भारत। तालियों मजाने यार, जो बात कर रहे हो भाई के लिए। अपने एक बात मैं कहना चाहूंगा, मन में आज ही निकल जाएगी, एक झारखंड का आदमी मेरी सुनना बात को बिल्कुल, एक झारखंड का डीजे वाला हम सबकी थूक पीट के चला गया, क्यों जवाब देगा कोई मुझे? एक झारखंड का डीजे वाला हम सबकी थूक पीट के चला गया, वो क्यों चला गया? हमने एका नहीं था किसी ने, अगर हमने एका होता तो हमारी थूक पीट गिर जाता। पूरे हिंदुस्तान के लिए पूरे विश्व में थूक पीट रही है कि हरिद्वार मेले में झारखंड का सारे डीजे सबको पीट के आ गया वहां पे, जबकि कुछ भी था वो। अगर हमारे यहां चाहते ढंग से काम करते तो सब पीट के भगा सकते थे, लेकिन वो अकेला पूरा मेला खा गया। वो क्यों खा गया? हमने एक आदमी कहा, हम जातिवाद से बटे हुए थे, हम माल में बटे हुए थे, हमने माल लगा रखा है। पहले मैं 30 बेस लगाई, 32 लगाई, फिर बाद में 20 बेस पे काम करके गया वो, फिर भी जीत के चला गया वो, वाह करके चला गया वो, क्यों? कि हमने एका नहीं था। अगर हमें पश्चिम वालों में एका होता तो वो यहां से जीत के नहीं जा सकता था, वाह नहीं खा सकता था वो।
क्या बात सही है गलत है? सही है। हाथ उठाओ ना अगर सही है। सही है सही है। तो भाइयों ये एक हमारा व्यवहार हमें ही ठीक लगेगा। हम अगर मुरादाबाद जाओ झारखंड जाओ वहां भी अपना व्यवहार बढ़िया रखो, अपना व्यवहार बढ़िया रखेंगे तो हम कहीं से अपना नाम मेरठ का नाम बागपत का नाम नोएडा का नाम मोदी नगर का नाम शामली का नाम मुजफ्फरनगर का नाम हर जिले का नाम अपने जिले में टॉप पर जाएंगे। हम कहीं भी जाए काम करने के लिए सहनशीलता से काम करो, एकता से काम करो और बिल्कुल विनम्रता से काम करो। अपने पैसे पूरे लो क्योंकि करोड़ों का माल लगा हुआ हमारा आगे किलोमीटर लेके मेरा डीजे साहब प्रदर्शन के अध्यक्ष हेमंत चाहते हैं भाई। सभी जिलों से जितने भी मेरे भाई लोग आए हैं सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत मैं अभिनंदन करता हूँ। अब मेरे डीजे एसोसिएशन की तरफ से सभी का स्वागत है। अब मैं मंच पर सम्मानित करना चाहता हूँ जो भी जिले से हमारे लोग हमारे आए हैं अध्यक्ष, क्योंकि अध्यक्ष होता है सभी जिले का नियंत्रण करता है क्योंकि हमारे यहाँ जो भी व्यवस्था है मंच पे वो अध्यक्ष को ये है। तो मैं कृपा करके आपका जो भी है व्यवस्था गाय इससे वापस से जो हमारे अध्यक्ष हैं सिंह भाई एवं मंच पर आगे आसन ग्रहण करें अपना वापस से क्या नाम चीकू भैया मंच पर आकर आसन ग्रहण करें भैया तालियां होगा दो ताली से स्वागत कर लीजिएगा। हमारे बीच में ऑल इंडिया साउंड मिशन के अध्यक्ष भी हैं जो दिल्ली से हमारे आए हुए हैं बब्बर जी डीजे से, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मंच पर आकर आसन ग्रहण करें जोरदार ताली से स्वागत करें। ऑल इंडिया के अध्यक्ष हैं हमारे बब्बर जी। हमारे मोदी नगर से कपिल भाई आए हुए हैं जो महासचिव हैं अध्यक्ष किसी वजह से नहीं आए हुए हैं, उनका भी स्वागत है मंच पे जोरदार ताली से स्वागत करें। हापुड़ से अनिल कश्यप जी हैं जो अध्यक्ष हैं हापुड़ एसोसिएशन के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन है। मंच पर आसन ग्रहण करें जोरदार ताली से स्वागत करें। ताली तो कम से कम बजा ही सकते हैं भाई, देखो पहली बार हमारे बीच में सब आए हैं सब लोग। दिल्ली एसोसिएशन से हमारे खान साहब आए हैं उनका भी स्वागत अभिनंदन है, वो भी अपना आसन ग्रहण करें मंच पर जोरदार ताली से स्वागत करें। खान डीजे बदरपुर। अभी हमारे शामली से बड़ोस से और आपका मुजफ्फरनगर से हमारे सब लोग आ रहे हैं भाई लोग बस आ रहे हैं, उनकी भी व्यवस्था माफ करनी बाहर इसलिए बाहर खड़ा हुआ था जगह आपके देखा था उनके लिए। अभी बाकी जो भी किसी की जो भी बात है सब लोग हमारे सब सक्रिय हम सब लोग इसलिए बैठे हैं यहाँ पे सब अपना अपना विचार रखें अपना अपना सुझाव दें हम किस तरह से अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं। बहुत सारे विषय हैं सब लोगों के मन में भी होंगे सब लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। आज मैं पहले अभी फिलहाल अभी जो हमारे अध्यक्ष आ रहे हैं और भी जिले के मांग अभी हमारे बीच में गाजियाबाद से भी आ रहे हैं हमारे नोएडा से भी आ रहे हैं। नोएडा से कोई भाई आए हुए हैं कोई हाथ उठाएंगे हमारे नोएडा से गाजियाबाद से गाजियाबाद से भी बोलिए भैया मुरादाबाद से मैं हापुड़ से आ रहे हैं हाथ उठा रहे भैया कहां से भैया अमरोहा से हैं बीजे का नाम भैया बीजे डीजे से अच्छा अमरोहा से भैया आपका स्वागत है भैया ताली स्वागत है आप ही मंच पे हैं भैया आ जाओ आप मंच पे आ जाओ। जिले से अगर एक बंदा भी आ गया ना तो हमारा स्वागत है भाई, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति नहीं आ रहा, हमने सूचना सभी को दी है शायद सब लोग इस चीज को हल्के में ले रहे हैं लेकिन आज ये जो एकता का विषय आएगा सभी जिलों के बीच में हमारे जिले में कोई भी हमारा अगर नियम तोड़ेगा हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे सब लोग एकता का परिचय भी देंगे ये हमारा वादा है सबसे आज सब लोग एकत्रित इसीलिए हुए हैं। अब मैं निवेदन करूंगा अपने बागपत वाले जो हमारे अध्यक्ष हैं भैया चीफ भैया उनसे निवेदन करूंगा आप ना आए और विषय रखें भैया बोल दिया कपिल भैया मोदी नगर से जो हमारे महासचिव हैं आए अपना विषय रखें जोरदार ताली स्वागत कर भैया। धन्यवाद सभी भाइयों को नमस्कार। मैं डीजे कपिल इवेंट्स मोदी नगर से हूँ
और ये जो प्रॉब्लम आज हम यहाँ पे फेस कर रहे हैं और इकट्ठे हुए हैं, पहली बार नहीं हुए, सालों से हो रहे और हम ये भूल जाते हैं कि सरकार हमें ही देख रही है, चाहे वो यूट्यूब की सहारे से, चाहे वो किसी सहारे से। अब तो सभी को पता है कि सोशल मीडिया के उससे सभी लोग देख रहे हैं, सरकार भी देख रही है। तो सभी ने ये देखा है कि परेशानियां बढ़ती चली जा रही है। हम लोगों के साथ पहले भी दिक्कत हुई है ओवर साउंड के तरीके से, ओवर साउंड बजती है, परेशानी होती है, कंप्लेंट्स इकट्ठी होती है, पुलिस एक्शन लेती है। किस वजह से ले तो पुलिस एक्शन लेती है, हमारे ऊपर डीजे को बैन कर दिया जाए, हम कोर्ट में जाते हैं, वकीलों से मिलते हैं, हमें पता चलता है कि हमारे पास एक रोजगार का अधिकार नियम है, उसके थ्रू हम अपने आप को बचा लेते हैं। तो मेरे भाइयों, जो अभी कुछ दिनों पहले झारखंड में हुआ है, उन्होंने गाड़ियों के परमिट बैन कर दिए, जो कि खुलने मुश्किल है, क्योंकि उस नियम के विरुद्ध कोई वकील जाएगा नहीं, क्योंकि वो पहले से ही अधिनियम है, नॉलेज में नहीं होगी। कमर्शियल गाड़ी पे आप लोग डीजे बॉक्स नहीं चला सकते। एक राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, जो राज्य सरकार ने जिसे बैन कर दिया हो और एक नियम कड़ाई 27 से पेश कर दिया हो, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। हद हो चुकी है, वहां हमसे ज्यादा हद हो गई है, ये आपको मानना पड़ेगा। हम लोग ये सोचते थे हमारे यहां परेशानी है, पर हमसे ज्यादा परेशानी वहां है, कि वहां पे राज्य सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। सरकारें आती है जाती है, सरकार का ये नहीं पता कब चली जाए, कब रह जाए, नई सरकार आई क्या पता हमारे ऊपर भी ये बैन कर दे। रही बात कंपटीशन की, कंपटीशन कुछ नहीं है, सबको पता है 20 आदमी जाते हैं किसी कार्य को करने, उसमें जीतेगा एक ही, वो जीतता कुछ नहीं है। ग्राहक को जिसका जो पसंद आ जाए उसकी नजर में वही नंबर वन होता है। और मेरे भाई ने जैसे बोल सबको बताया कि उसने पीछे की तरफ से साउंड लगाया था और आप लगा रहे ट्रोले के ऊपर, तो ट्रोले का एक लिमिटेशन होती है भैया, सबको पता है। पीछे की तरफ से साउंड लगाने से हमारी साउंड वाले हमारे से यहाँ डीजे वाले बैठे हुए हैं ना, एक से एक बैठे, और जीतने की कंडीशन है उसका पब्लिक का इतना ज्यादा सपोर्ट था और उसका कंपटीशन हुआ कितने आदमियों से बताइए, कोई तरीके से कोई कंपटीशन हुआ होगी चाहिए ना। ये ना है कि हमारे डीजे वालों की झूठ मिल गया, ये चीज गलत है। देखिए कोई ऐसा तो है ही नहीं कि एक एग्जाम दिया जा रहा है, सबको पेपर मिला हुआ है और उसको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। रोड में चल रहा था वो, बढ़िया बात है, पार्टी ने उन्हें सहयोग करा, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, जितने बजट में वो आते हैं हमारे यहाँ कोई बजट देने को तैयार नहीं है। मेरी बात हो सकता है, मैं इस बात के लिए माफी चाहूंगा, पर सच्चाई यही है। आज जो सामान हमारा यूज होता है यहाँ पे, वो 2 साल से यूज होने लगा, इतना भारी सामान लगाने लगे, पैसा देखो उसका कितना ज्यादा लगने लगा, क्या उसके मुताबिक से पैसा कमा रहे हैं? होड़ हो चुकी है भाई, हमें ये लगाना है, हमें वो लगाना है, मिलता गया है हमें। हाँ, ये चीज बढ़िया है कि सार्जन भाई का जो टेक्निक है, जो तरीका है, वो हमसे बहुत अलग हटके था, हमसे बेहतर था या नहीं था इसका कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि जो क्या कर रहा है, उन्होंने पीछे से साउंड लगाते हैं, हम लोग आगे से लगाते हैं। अगर हम भी पीछे से लगाए, बराबरी तो हो, बराबरी तो हो। अगर उन्होंने ट्रक के पीछे लगाया था और 30 बेस लगाई थी, तो हमारे पास भी सब भाइयों के पास बेसे हैं, एक से एक बढ़िया साउंड है, बराबरी का तरीका हो। अब ट्रैक्टर पे तो साउंड लग जाती है, 20 फुट आगे आदमी खड़ा हो जाता है, वहां प्रेशर चाहिए उसको। अरे कहां से आएगा वहां प्रेशर भैया, कहां आएगा वहां प्रेशर? हमारे यहां तो टाटाओं को माना जाता है भाई, टाटा पे 18 और उसका प्रेशर नाप लिया जाता है। अरे हम भी तो कह रहे हैं वो 30 बेस का 30 बेस की टाटा थी, हमारे यहाँ जिस दिन किसी ने 30 बेस टाटा लगा दी, हो सकता है उसकी भी उससे भी अच्छा चला जाए। दूसरी बात, हम यहाँ के भाई, मैं अपने भाइयों को ही प्रोत्साहन बढ़ाऊंगा, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, और अपने बंदों के लिए, पर हाँ, मरना क्या हार, मरना ये आ रहा है कि हम बेस को बढ़ाते चले जा रहे हैं, हमारे मार हम झेल सकते हैं। अरे ये जो हमारे ही माँ बाप रह रहे हैं, सब घर में रह रहे हैं, हमारे घर में बीमार होते और किसी दिन किसी दूसरे का डीजे आके बजता चला जाए, उससे हम हाथ जोड़ेंगे, भैया मेरे घर में बीमार है, इसको कम कर। अब निकल गया मेला, निकल गया, सबको पता है मेला में ही होता है कॉम्पिटिशन, अब शादी ब्याह आएंगे। पैसे कमाने का जो वास्तविक तरीका है वो अभी है, ये तो मेले में किसको कितना कमाना है सबको पता है, कितना किसने कमा लिया सबको पता है।
तो फिर भैया सबसे बड़ी बात यह है कि एक लिमिट बना ली जाए कि हाँ भाई इतना नहीं, तो सरकार जिस दिन यह फैसला लेगी, जैसे झारखंड में हुआ है, उस दिन आपका इतना साउंड बन चुका है, इतना साउंड आ चुका है यूपी में कि जिस दिन ये बैन होना चालू हुआ बिकना बंद हो जाएगा। सबको पता भाई जिस बंदे पे 40 बेस और 8 बेस का सामान लगना, 32 बेस जाएंगी कहां जाएंगे 32 बेस। और कोई तो सबसे बड़ी बात है, मैं आपसे भाइयों से सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, मान कौन किसकी रहा है। अरे भैया चलो कोई नहीं, बहुत गर्मी हो रही है ना मोहित भाई, हम लोग सालों से ऐसे इकट्ठे हुए हैं, बात करिए अपने घर चले गए, जो हमें करना है वो ही करते हैं। किसके लिए बना रहे? क्योंकि सबको पता है एक ही तरीके के हम साउंड वाले हैं, और एक तरीके कोई कोई किसी के दबाव में तो है ही नहीं भाई, सबको पता है। डीजे वाले जाते हैं उसके घर के आगे, इतना प्रेशर से बजाएंगे कि वो पैसे मना कर देगा, भैया से या तो भर लेगा या इसे हल्का बजा दिया, पता नहीं क्यों क्या हो, क्यों हमारे भी जैसी हमारी आदत हो गई है वैसे हमारे कार्यकर्ताओं की आदत हो गई है। वो वहां जाते हैं घरों के आगे, इतना प्रेशर से बजाते हैं, दो चार के घर के बर्तन जब तक गिरे ना, नालियों के पानी दिखाए जाते हैं वीडियो में भाई, नाली के पानी गिर रहे हैं। अरे हमें समझना होगा हमारे डीजे के नाम, हमारी वीडियो कैसे बन रही है आजकल, वीडियो की डीजे वालों की गाड़ी की वीडियो दिखाते हैं, और ये दिखाते हैं दवाइयों की दुकान गिरते हुए, प्रशासन देख रहा है इस चीज को, प्रशासन देख रहा है इस चीज को, दवाइयों की दुकानें गिर रही है, इसलिए नहीं बैठा प्रशासन, वो देख रहा है कि हाँ गलती किसकी है, कमी किसकी है। अरे आप एक काम करो, किसी समाज में जाके कह दो हम डीजे वाला, हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई, समाज आपके विरुद्ध तो खड़ा हो सकता है, आपके साथ खड़ा नहीं होगा। क्या हालत कर ली है हम लोगों ने अपनी, किसी के घर में जाके देखो, एक कोई सभ्यता वाला घर जाए, किसी के घर में जाके बात करके देखो, कहते हैं अरे डीजे वाले, अरे भैया इन डीजे वालों से हाथ जोड़ाओ, यही होता है क्या सच्चाई है ये भैया? पीछे सीटें हैं, सीटें गेंद रहे हैं जिससे, तो भाई सब लोग अंदर चले, पैसा लगा रखा है सभी ने, हल्का पैसा नहीं लग रहा आज की डेट में, तो पैसे की कोई नियम ही नहीं रहा। अनिल भाई स्वागत करते हुए डीजे धड़कन, सुबह से मेरे साथ तनमन से लगे हुए हमारे चिंपू भाई, अमर साहू से दीपू भाई, लेकिन मानेंगे सुबह 10 बजे पहुंच चुके थे, सोफे भी उठवाए, कुर्सियां भी लगवाई, मतलब मुझे ऐसा लगता है मुझे अकेला अपन फील नहीं होने दिया, मैं चिंटू भाई के लिए और दीपू भाई के लिए जोरदार तालियां, मास्टर जी ऐसे व्यवस्था बना लिया मुझे, अब मैं निवेदन करूंगा अपने दीपू भाई से, महासचिव है मेरे, और बार बहुत स्वागत करें हमारे उपाध्यक्ष।